यूपी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने अपना 92वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर हल्द्वानी के रामलीला मैदान में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। प्रदेश की वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश और राजस्व मंत्री यशपाल आर्या भी तिवारी जी के जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता शोएब सिद्दीकी ने भी समारोह में शिरकत की। उत्तराखंड की सियासत में एनडी तिवारी को पर्वत पुत्र कहा जाता है। कहते हैं वो जो करते हैं वो सियासी लकीर बन जाता है। यही वजह है कि एक बार फिर उनका जन्मदिन समारोह चर्चा में है। हालांकि इस मौके पर कोई बड़ी सियासी भीड़ नजर तो नहीं आई, लेकिन कांग्रेस में कभी उनके करीबी रहे इंदिरा हृदयेश और यशपाल आर्य ने शिरकत जरूर की। वहीं समाजवादी पार्टी के शोएब सिद्दीकी भी उन्हें बधाई देने पहुंचे। इस मौके पर 92 साल के एनडी तिवारी ने अपने बेटे रोहित शेखर को प्रदेश की सियासत में उतरने का ऐलान किया। मेरी जगह पर लेकर वो पूरी तरीके से एक नया यहाँ पर जो डालकर काम करे, यही मैं प्रार्थना। उधर रोहित शेखर की भी पहली चॉइस कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि साल जनवरी में वो राहुल गांधी से मिले थे और तब उन्होंने कांग्रेस में शामिल किए जाने को कहा था, लेकिन अब तक जवाब नहीं मिलने पर उनका कहना है कि वो सियासत किस दल से शुरू करेंगे इसका ऐलान वो इस माह के अंत तक कर देंगे। राहुल गांधी जी से मुलाकात हमारी हुई थी, पहली बार जीवन में, शायद उनके राजनीतिक जीवन में पहली बार पिताजी और राहुल जी की मुलाकात हुई। मैं था वहाँ पे 13 जनवरी को इस साल, तो उसके बाद मेरी उम्मीद काफ़ी बंधी है कि बंद गई थी तब से कि मुझे पार्टी में जल्द ही लेकर कोई उचित रोल दिया जाएगा। सर मुलायम सिंह जी से भी उचित रोल दिया जाएगा पार्टी में, तो लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, इस बात का मुझे खेद है और मैं समझता हूं कि जल्दी ये अटकलें खत्म हो जाएंगी। मेरे हिसाब से इस महीने के अंत तक या कुछ समय में ये अटकलें खत्म हो जाएंगी और तय हो जाएगा मैं किस दल से और किस जगह से लड़ूंगा, ये भी तय उसी वक्त होगा। असल में एनडी तिवारी उत्तराखंड की सियासत में निर्विवाद नेता हैं और आज भी उनके नाम पर वोट इधर के उधर हो जाते हैं और ये बात रोहित शेखर भी जानते हैं, इसलिए जन्मदिन के बहाने सियासी टोह ली गई। लेकिन सवाल उठता है कि क्या रोहित शेखर को लोग एनडी तिवारी का सियासी वारिश मानेंगे और तिवारी का ये करिश्मा 92 साल की उम्र में भी चलेगा। हल्द्वानी से विनोद कांडपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।